भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 134वां जन्मोत्सव उनके पैतृक गांव खूंट में धूमधाम से मनाया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जन्मदिवस के अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने पुष्प और माला अर्पित किए। इस दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत के गांव में रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर गोविंद बल्लभ पंत को याद करते हुए डिप्टी स्पीकर और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि गोविंद बल्लभ पंत जैसी महान शख्सियत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। देश को आजाद कराने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो बहुत महान शरीर है, महान विद्वान है, वो चिंतक थे, वो चिंतक के साथ साथ वो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत अच्छे राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान बनाई, और इतना ही नहीं अच्छे प्रशासक भी थे। तो ऐसा योद्धा हमारे खूंट में उनका जन्म हुआ है, हम सौभाग्यशाली हैं। खूंट आज हमारे देश के मानचित्र में पहले स्थान पर हमारा खूंट का नाम आता है। तो आज पूरे देश के अंदर गोविंद बल्लभ पंत जी की हमारी जयंती मनाई जा रही है। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यहाँ की क्षेत्र की जनता की ओर से उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और उनके मार्ग पर बताए जो मार्ग था उस मार्ग पर हम चलें, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो उन्होंने जो संकल्प लिया था वो विश्व गुरु बनाने के लिए हमको आज संकल्प लेना चाहिए। इसी उनके साथ में आज सबको इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में हुआ था। पंडित गोविंद बल्लभ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वकील, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री तक रहे। आज उनके 134वीं जयंती के मौके पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भव्य कार्यक्रम कर उनको याद किया जा रहा है। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।